जैसे हमारी दौरा हमेशा जब हम करते हैं संगठनात्मक तौर पे हमारी पार्टी कैसे चल रही है उस पर ध्यान देने के लिए मैं और नितिन भाई दोनों यहाँ आते हैं, और इस बार भी दो दिन का दौरा इसी पर फोकस करते हुए हम यहाँ आए थे। जैसे हमें बूथ कमिटीज़ पे ध्यान देनी थी, हमारे मोर्चों पे ध्यान देनी थी, उन सभी पे थोड़ा समीक्षा हुई है, और आगामी कार्यक्रम क्या होना इन पे भी थोड़ी बातचीत हुई है, और असेंबली भी शुरू होने वाली है इसलिए मुद्दे कैसे उठाना, कौन से मुद्दे पे थोड़ा प्रायोरिटी देना, इन सब पे थोड़ा हमारी पार्टी के अंदर इस पर चर्चा हुई। एंड यस, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तालमेल की कमी नज़र आ रही है, आपसी कोऑर्डिनेशन कम दिखता है, कैसे इसको दूर करेंगे, कोई टिप्स दिया क्या आपने? नहीं, जो भी है हम अंदर बात करेंगे ना, अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली वी ट्राई टू ओवरकम इट थ्रू डिस्कशंस। वैसा ही डिस्कशंस हुआ है। नहीं, महसूस ऐसा नहीं है, थोड़ा मे बी डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन यहाँ और वहाँ, तो ये डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियंस को ओवरकम करने के लिए हमने सभी से बात किए हैं एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ मैकेनिज्म। द रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द कांग्रेस रूल्ड एंड बीजेपी आर द अपोजिशन, बट लास्ट फ्रॉम वन ईयर बीजेपी हैज नो गिवन द लीडर ऑफ अपोजिशन। नो, वी हैव फोकस्ड ऑन दैट एज वेल, इस पे भी बात हुई है सभी से एंड वी हैव रीच्ड अ डिसीजन ऑन दैट। नहीं, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड, वी डोंट हैव टू कमेंट ऑन जो कांग्रेस की बात है उस पे हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, पर हमारी पार्टी की तरह से हमने इस पे भी चर्चा की है एंड वी हैव रीच्ड अ डिसीजन। इन अ फ्यू डेज यू विल आल्सो नो द डिसीजन। पार्टी के अंदर की अगर बात करें तो पिछली बार भी आपने कहा था कि पार्टी के अंदर की जो बातें हैं वो हम अंदर डिस्कस करेंगे, मीडिया में नहीं कहेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर की बातें मीडिया में सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। कभी कोई सोशल मीडिया में कोई अंकुश लगा सकते हैं क्या? आप है तो वी कैन इमीडिएटली पुल यू टू दी प्रेस क्लब या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया में क्या कर सकते हैं? एंड जिसको जो चाहते हैं जो सोचते हैं वो डालते जाते हैं, क्या करें हम, इसमें तो हमें कमेंट ही नहीं करना।